वो बिल्डिंग कब बनी यार? कौन सी? इधर एक ये वाली, ये हाँ, ये एक नई है और ये एक नई है, दो नई। पर ये कब बनी, दिखी नहीं है। तो ये कमर्शियल है, कमर्शियल के इधर एक, कमर्शियल के उधर एक। हम व्लॉग्स बना रहे थे ना जिन दिनों में, ये बिल्डिंग बना रहे थे। गणेश सर क्या हुआ? कमी वोल्ट से पेंट बोर्ड बंद हो गया। देख रहे हैं, अभी लाइट गई थी ना, लाइट गई तो अचानक लाइट आने के बाद देखा तो बर्नर चालू नहीं हो रहा। पिछले बार भी संडे को ही हुआ था कंप्रेसर का कांड, इस बार भी संडे को होगा। Hey guys, welcome to today's vlog. मैं जानता हूँ बहुत टाइम से हम लोग ने व्लॉग नहीं किया है और उसका कारण ये था कि नए साल में हम लोग को भी थोड़ा ब्रेक चाहिए था भाई। बहुत गट्स है और बहुत मेहनत है लोगों में जो रोज व्लॉगिंग कर पाते हैं। एक महीने किया हमने, हमारी तो हालत टाइट हो गई। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:15 और हम लोग आए हैं ऑक्टाविया का शूट करने के लिए। फाइनली गाड़ी रेडी हो गई है और बहुत ही अमेजिंग लग रही है। आई थिंक लास्ट 6 साल के अंदर हमारे वर्कशॉप में ये सबसे प्यारा प्रोजेक्ट है और ये मेरा फेवरेट कलर हो गया है। मेरा फिलहाल तो मन कर रहा है मेरी बाइक भी इसी कलर में पेंट कर दूँ। तुझे लेफ्ट जाना, तू राइट में रख गाड़ी। सबसे बुरा होता है आर्ग्यू करते हो, कभी बम्बल नहीं करने का। बम्बल रंबल, रंबल रंबल बम्बल नहीं, रंबल मम्बल मम्बल। लेकिन आर्ग्यू करते कभी अप नहीं करने का, अपन अपना पलड़ा नीचे हो जाता है। वो देखा नहीं लोग कैसे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। मुझे लग रहा है गाड़ी को देखते देखते अंदर घुस जाएगा गाड़ी। मेरे को दो चीजों से बहुत डर लगता है। एक ऐसी ऊंची बसेस या जो ओवरफिल्ड ट्रक्स होते हैं ना, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। और मुझे दूसरा ब्रिजेस या फिर फ्लाईओवर या मेट्रो के, वो मेरे को लगता है जब मैं ब्रिज के नीचे अगर नदी या पानी ना तब डर लगता है। तो तू कहाँ है सिचुएशन में? मैं रोड के ऊपर। तो रोड कहाँ है? रोड पानी के ऊपर। तो ब्रिज मतलब? हाँ, तू ब्रिज के ऊपर है। मैं सोच रहा था आगे चला जाऊँ, फिर मुझे लगा कि मुझे गाड़ी देखने को नहीं मिलेगी, हमको पता चल गया, फिर मैं रुक गया। ये एक एंगल रह गया था, वो भी तुमने कवर कर लिया ना, उससे हमको पता चल गया गाड़ी देख रहे हैं। बहुत प्यारी लग रही है। मानवे तो कल भी रात को बोल रहा था, लगा ड्राइव पे चले गया रात के 1 बजे। भाई माफ कर, मैं थक गया हूँ। ज्यादातर गाड़ियाँ सारी इसकी डिटेलिंग की ही है, जो ये सारी पेंटिंग की है। यहाँ पे मोबिलियो भी पूरी फिनिश हो गई गाड़ी है। कस्टमर का प्रॉब्लम था, कस्टमर लेने नहीं आ रहा था। कस्टमर का प्रॉब्लम नहीं था, पार्ट का प्रॉब्लम था। उनको बोला गाड़ी लेकर जाओ, फिर फॉग लैंप नहीं मिला है उसका। हाँ तो वही, हाँ तो उसके बाद वो मान गया फॉग लैंप लेने को। गाड़ी दो हफ्ते से खड़ी भी है। काम कैसे होगा जगह ही काम कर और बंद करते हैं जो है। ये अभी नए प्रोजेक्ट आए हैं, इन्होंने अंदर ढाके के लिए चालू कर दिया। काम करेगी क्या होता ये डोर में क्या दिक्कत हो रही थी? हमारी वर्कशॉप के जो दरवाजे है ना, वो स्टैंडर्ड से थोड़े ज्यादा चौड़े हैं, तो जो ऑटो डोर क्लोजर होता है वो लोड नहीं ले पा रहा दरवाजे का, और इसकी वजह से दरवाजा थोड़ा नीचे आ जाता है कुछ टाइम बाद। लास्ट 4-5 महीने से हर महीने हम ये ऑटो डोर क्लोजर ठीक करवाते हैं और कारपेंटर को पैसे देते हैं। इस बार हमने सोचा कि कुछ परमानेंट सोल्यूशन ही निकालते हैं इस दिक्कत का। मैंने डोर वाले से बात की है, हिंजेस में इसको होगा तो बिठा देंगे। हर महीने का 2-2 हजार, 3-3 हजार रुपए का खर्चा है। हमको 3 डिटेलर चाहिए और एक स्टोर कीपर चाहिए, इसके अलावा और कुछ चाहिए। वो सेल्स एडवाइजर के लिए तो वो लड़का ज्वाइन कर रहा है ना। जब वर्कशॉप इतना ज्यादा भर जाता है ना कि गाड़ी अंदर बाहर करने तक की जगह नहीं बचती, तो मैं थोड़ा सा अंदर से हाइपर हो जाता हूँ। मूवमेंट ब्लॉक होता है ना, तो उसकी वजह से हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है और मुझे इस चीज़ से सबसे ज्यादा इरिटेशन होती है। इसलिए मैंने सोचा एक सेल्स टीम मीटिंग ले लेते हैं और देखते हैं हम इसका क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अक्षय से अभी मेरी कुछ बात हो रही थी, तो अक्षय बोला कि इंक्वायरीज मतलब इन जनरल जो आ रही है वो फालतू की इंक्वायरीज काफी ज्यादा है, तो मैं वही पूछना चाहता था क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है एग्जैक्टली। प्रॉब्लम कुछ नहीं, अभी वो वीडियो कोई देख लेता है तो फिर उसका उनको कॉल करते भी बोलता है हमने वीडियो देखा था, फिर हमने इंक्वायरी की, फिर अभी हमारा प्लान नहीं है, या तो फिर जो कॉस्ट का प्रॉब्लम आता है।
पर्टिकुलर इंक्वायरी समझ के या देख के समझ में आता है कि ये कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है रेगुलर बेसिस पे? PPF स्लैंग जो है ना उसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आता, उसमें बहुत सारे जेन्युइन कस्टमर हैं। हाँ, पेंटिंग की गाड़ी में मतलब बाहर से जो कॉल आते हैं, महाराष्ट्र के बाहर से या यूपी से बात कर रहे हैं, वहाँ से बात कर रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी ये नंबर जो IVR वाले नंबर है उनको चेंज कराता हूँ, ये नंबर हटाता हूँ, हमारे पास और दो या तीन नंबर है ना, रादर देन इंक्वायरी आए उसके बाद हम यहाँ से भेजे, हमारे सारे प्राइसिंग वगैरह जो है ना कस्टमर अपनी गाड़ी और सर्विस चूज करके प्राइसिंग ले सके, मेरे एक दिमाग में ये आइडिया आया। वेबसाइट से सिलेक्ट करके ना। हाँ देख, अभी क्या है, एक तरफ हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ज्यादा से ज्यादा काम अपना दिखा के पब्लिक फोरम पे डाले, दूसरी तरफ जितना ये दिखाएंगे उतने इंक्वायरीज तो आएंगे, लोग टाइम वेस्ट करने वाले मिलेंगे ही मिलेंगे। तुम्हारा हिसाब से तुम्हारा ज्यादा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, किस चीज से डील करने में हो रहा है? जो IVR पे कॉल आती है ना वहाँ पे पोटेंशियल कुछ नहीं रहता कोई भी ऐसा, अभी जैसे उस दिन इसके साथ हुआ स्कॉर्पियो का, जेन्युइन कस्टमर रहता है तो बोलता है मैंने फॉर्म भरा है, हमको जवाब। इनको एक बात बताऊं, ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि आज इंक्वायरीज आ रही है तुम जवाब दे रहे हो, देख जो तो पीछे पड़ा हुआ है कि नहीं मैंने बनाना ही बनाना है, गाड़ी सड़ गई है, गल गई है, 1000 किलोमीटर दूर बैठा है, बस जिद पकड़ गई कि मैंने बनाना है। जो 3 किलोमीटर दूर वाला कस्टमर है वो इतने हेडेक के थ्रू जाना नहीं चाहता, वो यहाँ आने से पहले वो चाहेगा कि मैं फोन करके सीधा अपॉइंटमेंट बुक करूँ, वो गेट आ ही नहीं पा रहा, इज नॉट एबल टू गेट थ्रू दी IVR एंड मेल। तुम्हारे एक बार जो कस्टमर बन गया उसको आगे अपना डायरेक्ट नंबर देख के उससे डील करना, दैट शुड बी या तो आइडिया। और ये मेल का भी जो सिस्टम है ये फिल्टर करने के लिए किया था, बट उसमें भी अगर फालतू की दुनिया भर की इंक्वायरीज आ रही है, क्लोजिंग रेट देख लेना, तूने 70 कस्टमर क्लोज करने, यू आर डीलिंग विद 5000 प्लस पीपल, पर कैसे करेगा और फिल्टर करने का? ऐसे ना काम इग्नोर करके कर सकते हो और क्या करोगे तुम, ऐसे बंदे के पीछे पड़े रहोगे तो टाइम भी वेस्ट होगा, तू और फिल्टर कैसे करेगा तू? यू हैव ऑलरेडी मेड इट सो डिफिकल्ट फॉर पीपल टू रीच अस। मेरा सिर्फ एक ही दिक्कत है इन सब चीजों से, हमारी जो एफिशिएंसी है ना वो बहुत कम होती है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस। कल हमारी क्लाइंट से बात हो गई थी, एक्चुअली ये गाड़ी हमको आज देनी थी पर बहुत ज्यादा लेट हो जाता और बहुत एक्टिक हो जाता, उससे प्रेशर में काम करने का ना कोई मतलब नहीं पड़ता, मैंने उनसे बात कर ली कि गाड़ी सैटरडे को ही आप ले लो, तसल्ली से काम करके आपको गाड़ी दे देंगे, मैं बोला ठीक है कर लो। एक्चुअली उनको भी कोई ऐसी अर्जेंट गाड़ी नहीं लग रही थी, उनको बस खुजली हो रही थी कि गाड़ी मेरे को फटाफट मिल जाए, मैं बोला लास्ट के एक दो दिन के लिए क्यों हड़बड़ी करनी, काम में कहीं 19-20 हो जाए तो मान गए, कोई दिक्कत नहीं। क्रेटा पेंट हो गई है, बची है? पेंट हो गई है पूरा, गाड़ी सैंडिंग हो गया है, डिटेलिंग करना है काम। अच्छा। था, इसके था। डिटेलिंग में चार गाड़ी ब्लैक लगी हुई है, फर्क ये है कि इसको हमने ब्लैक पेंट किया है, वो सेरामिक की गाड़ी है, ये पेंट की गाड़ी है और वो PPF की भी गाड़ी है। अमोल जी मैं परीक्षित हंस बोल रहा हूँ, आपकी और मेरी मेल पे बात हो रही थी, हमारे दो कैनन के M6 कैमरास आपके पास रिपेयर के लिए आए थे, एक आपने करके शायद पुणे भेज दिया है, तो अभी सीन ऐसा है आपने मेरे को मेल में डाला था कि मेरे को कंपनी का GST नंबर और बाकी की डिटेल्स वगैरह चाहिए थे, मैं 2-3 बार वो भेज चुका हूँ, बट आज भी जब कैमरा कलेक्ट करने गए वो बोले हमारे पास GST डिटेल्स नहीं है। हाँ बिल में ऐड करने के लिए, तो अभी मैं किससे ये कोऑर्डिनेट करूँ, क्योंकि मैं अभी क्या करना है मेरे को थोड़ा सा आप गाइड करो। मेल कर दीजिए सर, किया हुआ है आपको मेल, आप मेल या तो चेक नहीं किए हैं या क्या है, मैं 2-3 अलग अलग ID से मुझे एस्टिमेशन आए हैं, मैंने वो IDs पे वापस रिवर्ट भी किया है। अभी आप अभी मुझे ये बताइए आपको प्रोडक्ट मिला है? नहीं मैंने अभी तक कलेक्ट नहीं किया ना, कलेक्ट नहीं किया ना, दोस्ती ना देखा ना। हाँ आपको कहाँ मेल पे भेजना है? हाँ ठीक है मैं भेज रहा हूँ। हमारे अभी फिलहाल 2 कैमरा खराब है जो रिपेयर में गए हुए हैं, मेल भेजा इन्होंने हमें, एस्टिमेशन वगैरह हो गया, सब बात हो गई, उसके बाद बोले कंपनी के GST डिटेल्स वगैरह भेज दो, वो सब भी भेज दिया, अभी बोले नहीं मिल रहा, फालतू के काम बढ़ाते रहते हैं। अभी एक काम कर, कमलाकर सर को बुला जरा। हमारा CIN नंबर है क्या? CIN? हाँ है ना सर, चेक करके मेरे को प्लीज देखो ना। नहीं प्रोटोमोटिव का है। हाँ हाँ जी, एस्ट्रो की चाबी थी अंदर है क्या? ये देख MG की ओरिजिनल एक्सेसरी है, फोन होल्डर, हाथ पास किया सेंसर है इधर, तो वो फोन खोलने के लिए ऑन हो जाता है। ओ भाई हाँ यार,
मस्त है ना? क्या मस्त है ना, फोन गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? अगर हाथ पास चला गया तो। फोन दे तेरा, ये लगा दिया, पकड़ लिया, ठीक है। अब तुमको निकालना है। निकालना है, ये ले। निकलता नहीं है क्योंकि प्रॉक्सिमिटी सेंसर तो लॉक हो गया उसके पीछे। तो फिर निकालोगे कैसे? अजीब बात है, सिर्फ डालने के लिए है फिर वो। तेरा डाउट फिर क्लियर हो गया ना, फोन गिरेगा नहीं। फोन गिरेगा नहीं, ये सही भी है लॉजिक कहीं देखा जाए तो। गाड़ी चलाते वक्त जल्दी से लगाने, दो हाथ की जरूरत नहीं है। हाँ, पर अच्छा है, ओरिजिनल एक्सेसरी में सेंसर दिया हुआ है। तो एस्टर का इंटीरियर की खासियत देखना कितनी है। ये भी लेदर है पूरा, ऊपर का ये भी पूरा लेदर है, ये कॉन्सोल भी लेदर है, सीट्स भी सारी लेदर है, डोर पैड पे भी लेदर है, ये हार्ड प्लास्टिक है, बट ठीक है, दैट्स फाइन। मेजॉरिटी ऑफ द इंटीरियर इज सॉफ्ट टच लेदर। अच्छा, इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब सिर्फ टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। इतनी महंगी गाड़ी में तो होना बनता है ना यार। वो क्या है जो हमें देख रहा है? वो ये वो है असिस्टेंट। हेलो एमजी, हेलो एमजी, हाय एमजी, पर ऐसी कुछ है, वो असिस्टेंट है, वॉइस ओवर, वॉइस असिस्टेंट है जो। नहीं नहीं नहीं, वॉइस असिस्टेंट है। एमजी ओपन द सनरूफ। ओके एमजी, हेलो एम जी, हे एम जी, हाउ डू आई डू अ वॉइस कमांड? ओके एम जी, लिसन एम जी, हेलो एम जी, वो बैटरी अवेलेबल है, 374 रुपए की बैटरी है। कहाँ? वहाँ जाना पड़ेगा। मैट, मैट का बोल रहा है थोड़ी देर में। तो अभी जो पार्ट हमने ऑर्डर किए स्कॉडा के, वो जब लेने जाएंगे तो ये बैटरी चेंज करवानी है याद से। उसे एक और चीज पूछ, अगर ये चाबी भी नहीं चाहिए तो कितने की पड़ेगी? पूछ के बता। इसका इंटीरियर मेरे को काफी अच्छा लगा, ये जो रेड बिट्स हैं और ये जो सारा लेदर है, साथ ही साथ सनरूफ भी बहुत बड़ा दिया हुआ है, वन टच है, विच इज अगेन गुड, बट दिस इज मोर ऑफ अ हैचबैक। छोटी गाड़ी है, देखना, हैचबैक है ये, क्रेटा से भी छोटी लग रही है, एक बार सोनेट वाली वाइब दे रही है, पर फिर उस हिसाब से महंगी बहुत है। और फीचर्स तो हैं, चलो आई कैन अंडरस्टैंड महंगी क्यों है, बट आई रियली थिंक इनको टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग देना चाहिए था। पार्किंग इधर ऑटोमेटिक ब्रेक दिया हुआ है, विच इज गुड। सीट भी काफ़ी कॉन्टोर्ड है, मतलब स्पेस अच्छा है, ऐसा बैठने में ऑड नहीं है, छोटी नहीं है, टाइट नहीं है। ये जो साइड वाला एसी वेंट है ना, मेरे को मर्सिडीज की याद दिला रहा है। तो गाड़ी हम बंद कर रहे थे, सौरभ ने मुझे बोला, यहाँ से आवाज आई हेलो, तो सौरभ मुझे बोलता अरे लेडीज है, तो मैं क्या मतलब हेलो फीमेल को हेलो अलग तरीके से बोला जाता है, सौरभ बता दे, कहता अपने बीच में बात रखो ये हिमाचल क्या हुआ सर? जैसा वो अनिल अपना था, आ जाओ। अब दोनों में से किसका क्या फीडबैक है बताओ सर? दोनों का मैंने पूरा सुबह सुबह स्टार्ट को देख लिया, अभी पेंटिंग भी किया, जो ऑटो का जो पार्ट्स बाकी था आधा आधा पैनल जो है दोनों को पेंट कर है, मतलब मेजर गाड़ी भी कर सकता है, बेस वर्क उसका परफेक्ट है। थोड़ा बहुत फिनिशिंग लाना है, मतलब जैसा छोटा मोटा प्रोसेस जो है स्किप करते हैं, डिग्रेजिंग हो गया, गाइड कोट हो गया, ये सब जो चीज है थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, लेकिन ये कोई मेजर इशू नहीं है, माइनर इशू है, ये तो हो जाएगा ठीक। सुन ना, गणेश आया था ना केक काटने का, कल रियाज का बर्थडे है, कहता कल छुट्टी है, मेरा बर्थडे है, कोई हमेशा छुट्टी के दिन में होता है 26 जनवरी को, तो मैं केक नहीं काट पाता, आज केक काटना है। मैं कहा ये मतलब रिक्वेस्ट है या डिमांड है? बोला नहीं, मेरा कभी बर्थडे नहीं मनता है। मैं कहा ठीक है भाई, मना ले। कितने साल का होने वाला है? 29। अबे सच बोल बे, अबे चल, आधार कार्ड दिखा। आधार कार्ड है ना मेरे पास। चलो काटो। Happy birthday, happy birthday to you, happy birthday dear Riyas, happy birthday to you, happy birthday। हमारे पास एक 26 जनवरी भी है, हमारे पास एक 15 अगस्त भी है, 2 अक्टूबर है कोई? 2 अक्टूबर भी होगा कोई ना कोई। बस वही बोल रहा हूँ। हाँ वही बोला। कौन है? कौन है 15 अगस्त? महबूब। हाँ। अबे कैसे काट रहा है बे? थैंक यू।
गणेश सबके लिए कार्ड दे। आखिरी केक है तेरा ये, उसके बाद फिर लाते जूते बेलन। हाँ बेलन क्या है, गणेश इसका आधार कार्ड निकलवाना जरा, मुझे इसकी बर्थ डेट देखनी है, ईयर देखना है मुझे। अच्छा ठीक, चल तू बोल रहा मैंने मान लिया। चल थर्टी स्टार्ट हो गया है तो मतलब 30 का हो गया ना, नहीं 29 बोलेगा ना वो।